हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ मेरे गार्डन के एक अपडेट शेयर किए थे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बाकी जो पोर्शन है मेरे गार्डन के वो शेयर करूँगा। तो पहले जो प्लांट आपके सामने है, ये है मेरे एक ड्वार्फ वैरायटी एलामंडा के, जिसमें येलो कलर के फ्लावरिंग होते हैं। तो अभी भी देखिए, इन नवंबर में मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग हो रहे हैं, फूल खिला है, इसमें थोड़े से छोटे साइज के फ्लावरिंग होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मेरे गंधराज के प्लांट, इसमें भी अभी एक दो करके फ्लावरिंग हो रहे हैं। प्लांट्स मेरे ज्यादा पुराना नहीं है, तो इसलिए देखिए अभी एक फूल खिला है मेरे इस प्लांट पे। और ये मेरे सिर्फ 8 या 9 महीने का ही प्लांट होगा, और इसको मैं एक प्लास्टिक के पॉट के अंदर लगा के रखा हूँ। और यहाँ पर है मेरे एक क्रैनबेरी हिबिस्कस के एक वैरायटी, जिसमें देखिए फ्लावरिंग हो रहा है अभी। और इसके जो लीव्स के कलर है वो भी बहुत ही खूबसूरत है और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और फ्लावर के जो कलर है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैं एक 10 इंच के प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर लगा के रखा हूँ। और अभी जो प्लांट आपके सामने है, ये है मेरे प्लूमेरिया एल्बा के एक वैरायटी, जिसको मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूँ। थोड़ा सा छोटा प्लांट है, ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है। तो एक बार इसमें फ्लावरिंग हुआ है, ये वाइट वैरायटी है और बीच में इसके येलो शेड्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फ्लावर का साइज थोड़ा सा बड़ा है और इसमें एक धीमी धीमी सी खुशबू भी निकलते हैं। उसके पास है मेरे एलामंडा के वैरायटी जो येलो कलर में फ्लावरिंग करते हैं। उसके पास है मेरे एक वाइट कलर के एलामंडा के वैरायटी, इसमें तो अभी फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन एक दो बर्ड्स अभी भी है प्लांट पे। हालांकि नवंबर के एंड से एलामंडा प्लांट पे फ्लावरिंग होना बंद हो जाता है, तो अभी भी मेरे प्लांट पे एक दो करके फ्लावरिंग हो रहे हैं। और इसके पास है मेरे एक इग्जोरा के रेड वैरायटी, तो ये भी मेरे अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है। और इग्जोरा के वैरायटी में ऑलमोस्ट पूरे साल भर ही फ्लावरिंग होते हैं, लो केयरिंग प्लांट है। और यहाँ पर है मेरे देखिए मिली के एक प्लांट, बहुत खूबसूरत से देखिए बहुत सारे फ्लावरिंग हो रहे हैं इसमें। और इसके ऊपर लेटेस्ट में एक वीडियो बनाया हूँ कि कैसे मिली प्लांट के केयर किया जाता है, कौन से पॉट इसके लिए अच्छे हैं और कौन से फर्टिलाइजर आप दे सकते हो मिली प्लांट पे, ताकि आपको भी इतने सारे फ्लावरिंग मिल पाए। और यहाँ पर है मेरे एक छोटा सा बोगनविलिया के प्लांट, हालांकि ये पुराना प्लांट है, 2 साल के ऊपर हो चुका है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा बड़ा होने नहीं दिया हूँ। और देखिए मेरे प्लांट छोटे से प्लांट पे ही बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग अभी हो रहे हैं। और पास ही में है मेरे 6 इंच पॉट के अंदर मिली के ड्वार्फ वैरायटी, मतलब इसमें छोटे से साइज के फ्लावरिंग होते हैं। देखिए कितना छोटा सा फ्लावर लगे हैं, 2 कटिंग में लगाया था, दोनों कटिंग ही मेरे सक्सेसफुली लग चुका है और फ्लावरिंग भी अभी होना शुरू हो चुका है। और पास ही में है मेरे एक भिनका के वैरायटी, मतलब हाइब्रिड वैरायटी में भी अभी तक फ्लावरिंग हो रहा है। हालांकि मेरे पास और भी 2 प्लांट थे जो अभी खराब हो चुके हैं। और उसके पास है मेरे एक क्रोसांड्रा के वैरायटी, येलो वैरायटी ड्वार्फ क्रोसांड्रा, मतलब छोटे से प्लांट पे ही देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रहा है। इस साल ही मैं शायद 4 या 5 महीने पहले एक प्लांट खरीद कर लाया था नर्सरी से, तो मेरे प्लांट पे देखिए 6 मंथ के अंदर ही फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे कटिंग की ट्रे, जिसके अंदर मैं सभी कटिंग्स लगाता हूँ। जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि मैं सभी प्लांट्स, मतलब मैक्सिमम प्लांट्स में कटिंग के थ्रू ही ग्रो करता हूँ। तो मेरे कटिंग की ट्रे के अंदर देखिए हरसिंगार के कटिंग लगे हुए हैं, कुछ हिबिस्कस के कटिंग है, यहाँ पर रोज के कटिंग है जो लग चुका है, और यहाँ पर इग्जोरा के कटिंग मैं लगाया हूँ, ये भी अभी लग चुका है। और यहाँ पर है मेरे एक बोगनविलिया के कटिंग, ये भी लग चुका है। कटिंग में लगाता हूँ थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हो इससे बाहर की टेम्परेचर अंदर नहीं जा पाते हैं और इससे आपके कटिंग्स खराब कम होते हैं, मतलब रूट्स जो है वो डैमेज नहीं होते हैं। और कटिंग मैं सिर्फ सैंड के अंदर ही लगाता हूँ, इससे रूट्स बहुत जल्दी निकलते हैं और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कटिंग लग जाते हैं।
और दूसरे जो मेरे कटिंग की ट्रे है इसके अंदर मेरे मोगरा के कुछ कटिंग्स है जो लग चुका है, और यहाँ पर एक ओलियंडर के कटिंग है, यहाँ पर मेरे और एक ओलियंडर के कटिंग है जो अभी लग चुका है, और यहाँ पर कुछ प्लूमेरिया पुदीका के कटिंग है वो भी लग चुका है, और कुछ हिबिस्कस के कटिंग है। तो बहुत सारे मैं हिबिस्कस के कटिंग दोबारा अभी लगा चुका हूँ। आप भी अगर कटिंग से प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हो तो अभी भी आप कटिंग लगा सकते हो। पूरे साल भर मैं कटिंग्स लगाता हूँ और इस तरीके से सक्सेसफुली मेरे कटिंग्स लग जाते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे एक जाइंट नींबू के प्लांट, मतलब सबसे पुराना प्लांट है मेरा, इसमें देखिए नींबू लगा हुआ है छोटे बड़े साइज के, और कुछ नींबू तो अभी पकने भी वाला है और अभी फ्लावरिंग भी हो रहा है प्लांट पे। ये प्लांट सबसे पुराना है मेरा और बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स देते हैं। लास्ट ईयर से इसमें नींबू लगना शुरू हुआ है, मेरा 3 साल पुराना प्लांट है और पूरे साल भर इसमें नींबू लगता है। और इसके पास ही है मेरे एक सीम के प्लांट, मतलब वेजिटेबल्स, जिसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर फ्लावर्स लगे हैं प्लांट पे, बहुत ही बड़ा प्लांट है, इसमें कुछ दिनों के अंदर सीम बनना चालू हो जाएंगे। और इस साइड पे थोड़ी सी छाव के अंदर मेरा सभी ऑर्नामेंट प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो क्रोटोन है, स्नेक प्लांट, कोलियस और डिफेनबाकिया के एक कटिंग है जो हाल ही में ही मैं लगाया हूँ, ये भी लग चुका है। और भी बहुत सारे प्लांट्स है, एलोकेशिया के प्लांट है, अम्ब्रेला पाम, और भी बहुत सारे प्लांट्स आप देख पा रहे हो। तो मैं इस साइट पे प्लांट्स को रखा हूँ जहाँ पर दिन भर की 2 से 3 घंटे की धूप मिले, क्योंकि ऑर्नामेंट प्लांट को ज्यादा तेज धूप की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप छत के ऊपर जहाँ पर थोड़ी सी कम धूप हो तो आप आउटडोर में भी ऑर्नामेंट प्लांट को रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरे गार्डन का एक छोटा सा अपडेट, और भी बहुत सारे प्लांट है, उन सब प्लांट को मैं आप लोगों के साथ अभी फिलहाल शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा और लंबा बन जाता है। तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।